में दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में कांवरिया पहलेजा के लिए रवाना हुए। कांवरियों ने बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और बोलबम के जयकारे के साथ उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर पैदल यात्रा शुरू की। वो लगभग 92 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रविवार रात को बाबा गरीबनाथ पर जलार्पण करेंगे। गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि दूसरे सोमवार पर लगभग 1.5 से 2 लाख कांवरिया जलाभिषेक करेंगे। पुजारी ने कहा कि जो कांवरिया रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंच जाएं, वो सोमवार का इंतजार किए बिना रविवार रात 10 बजे तक गर्भगृह में जाकर जल चढ़ा सके। इसके बाद अर्घा के माध्यम से जल चढ़ाना पड़ेगा। SDO पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि कांवरियों की सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है ताकि कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कितने साल से जल चढ़ाते हैं? अभी ये मेरा 9वां साल है। 9वां साल जी। काफी ज्यादा आस्था है बाबा जी पर? जी बहुत ज्यादा है। कितने दिन में आ जाते हैं यहाँ? 3 दिन में आ जाते हैं जी। कहाँ कहाँ ठहरते हैं? जहाँ जगह अच्छा लगता है वहाँ ठहरते हैं, ऐसे तो हम लोग कहीं ज्यादा ठहरते नहीं है। लगभग 1.5 से 2 लाख कांवरियों की संभावना है। जितना यहाँ से लोग जाते हैं उसे 10 गुना लोग बाहर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम लोग अंदाजा करते हैं। ऐसे मुख्य अंदाजा आज शाम तक हो जाना चाहिए कि पहलेजा घाट से खबर आ जाती है कितना की संख्या हो सकती है अनुमानता। और जिस तरह पहली शुमारी में थी उससे ज़्यादा हम लोग पूरा ताकत लगा के दूसरी शुमारी में पूरा व्यवस्था करते हैं। सर चावल से बाबा का महाश्रृंगार होगा रात्रि में और सारी तैयारी पूर्ण है हमारी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक देखा जाता है कि कांवड़िया आ जाते हैं शहर में और सोमवारी का इंतजार करते हैं। सोमवारी को कहाँ चढ़ाते हो, तो रविवार को ही चढ़ा देते हैं। सोमवार होता है सूर्योदय से सूर्योदय, आप 12 बजे रात को, अंग्रेजी में तारीख से होता है, हिंदी तारीख से नहीं, हिंदी सनातन में सूर्योदय से सूर्योदय होता है। तो अगर चढ़ाना हो तो फिर सूर्योदय के बाद चढ़ाएं, अन्यथा इतवार को तो चढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसे समय देखने की जरूरत नहीं है। खासकर मैं कांवड़ी से अगर रविवार को ही चढ़ाना है तो फिर रात्रि 9 बजे तक बाबा गर्भगृह खुला रहता है, तो भीड़ से बचते हुए अर्घा में नहीं डाल के बाबा के गर्भगृह में बाबा के मस्तक पर आप अपने से डालें तो ज़्यादा सुविधाजनक होगी और भीड़ से भी बचेंगे। तो रविवार को अगर आप शहर में आ जाते हैं तो कांवड़ का जल उसी में डाल लीजिए, बाकी तो बाबा गरीबनाथ ही आपका मनसरा स्वीकार करने के लिए। जैसा यहाँ पूर्व का इतिहास रहा है कि पहली सोमवारी को कम भीड़ रहती है, दूसरी सोमवारी को ज्यादा रहती है और तीसरी सोमवारी को और ज्यादा रहती है, तो हम लोग उसी तरह से तैयार हैं। हम लोग तो पहली सोमवारी से पूरी तरह तैयार थे और काफी लोगों ने दर्शन किया है यहाँ। अब कल से सैटरडे स्टार्ट हो जाएगा तो सोमवारी को लेकर के भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह तैयार है, सभी जगह जो भी व्यवस्थाएं की गई थी वो हम लोग रेडी किए हुए हैं। जो भी लोग आएंगे श्रद्धालु, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से दर्शन कर सकेंगे। रूट वगैरह में किसी डाइवर्ट किया नहीं, रूट में कोई डाइवर्ट नहीं किया गया है। जैसा कि पूर्व में होता रहा है कि अगर ज्यादा भीड़ होगा तो हरी सभा से जिला स्कूल की तरफ जो रूट बनाया गया है उधर भीड़ को मोड़ा जाएगा, जो नॉर्मल कांवरिया रहेंगे उनके लिए, और जो डाक बम रहेंगे वो सीधा निकलेंगे। अगर भीड़ कम रही तो फिर हमें जिला स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सीधा उसको लाएंगे। ट्रैफिक वगैरह में भी ट्रैफिक जैसे पूर्व में रहता वैसे ही, हाँ वो जिस जो टाइमिंग है उसके अनुसार, जैसे आप देखते होंगे कि फकुली से लेकर के जो रामदयालु वाला पूरा रूट है वो बंद रहता है, वो डाइवर्ट तो पिछले सोमवार से ही कर दिया गया है। जैसे कल सैटरडे है तो कल से एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे पटना जाने वाली गाड़ियाँ भगवानपुर से इधर रीवा रोड होकर के जाएगी, समस्तीपुर काजिंदा तरफ से सीधा निकलेगी, तो जो रूट है वैसे ही चलेगी। रीवा रोड में रीवा घाट से काफी संख्या निकाल दिया तो उसके लिए प्रशासन है, आपका ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पे रहेगा और हम लोग सब कुछ देखते हुए अब रूट को भी पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद नहीं किया जा सकता, तो हम लोग सेफ्टी के साथ हम लोग कवरियों का विशेष ध्यान रखेंगे।